ब्राइट वन कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीख लेना अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं टेली प्राइम। टेली प्राइम का जो हमारे क्लास है, उस क्लास के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं लेजर्स, और लेजर्स में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लेजर्स को सिंगल मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसमें अल्टर बदलाव कर सकते हैं, या फिर हम लोग मल्टी लेजर्स में बदलाव कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से ये सब चीजें कर सकते हैं, उसको अगर प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में जाना है, और आपके कंप्यूटर में यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक आइकन दिखाई देगा, यहाँ पे टेली प्राइम जैसे यहाँ पे आ रहा है, ये टेली प्राइम का आइकन है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने से सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। इस तरीके से नेम ऑफ कंपनी में कंपनी का नेम आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पहले से कंपनी ओपन कर रखी है। यदि आप ये सभी चीजें सीखना चाहते हो तो एक बार प्लीज यूट्यूब चैनल पे लिखे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और वहां पे चैनल में चले जाएं, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। प्लेलिस्ट में टेली प्राइम की 1, 2, 3, 4, 5 क्लास है, उसमें देख लें, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, देन उसमें कंपनी बनाना, सर्ट सेलेक्ट करना, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर लेते हो, नेम ऑफ कंपनी में कंपनी का नेम आ जाना चाहिए, और देन यहाँ पे गेट ऑफ टेली में कंपनी में यहाँ पे गेट ऑफ टेली ऑप्शन आ जाना चाहिए। गेट ऑफ टेली ऑप्शन आने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें सिंगल लेजर में कुछ बदलाव करना है। तो सिंगल लेजर के लिए आपको करना होता है यहाँ पे मास्टर्स के अंदर अल्टर, और अल्टर में आपको मिलेगा लेजर। लेजर पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके लेजर्स की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें भी आपको मॉडिफाई करना है वो कर सकते हैं। जैसे मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मॉडिफाई करना है, एंटर किया। एंटर करने के बाद में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर डालना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया है, मेरा अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे डाला, देन एंटर किया। अब मुझे यहाँ पे IFSC कोड डालना है, तो मैंने IFSC कोड डाला SBIN000459। जो भी आपका हो वो डाल सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। सिप कोड, बैंक नेम, जो भी आप डालना चाहें जो है वो डाल दें, और नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रामगढ़ डाल दिया है, ये ब्रांच नेम हो गया। और इस तरीके से मुझे यहाँ पे एक एड्रेस और डालना है, मैंने यहाँ पे डाल दिया नियर बस स्टैंड रामगढ़ अलवर राजस्थान, नीचे आ ही रहा है। एंटर, एंटर, यहाँ पे पिन नंबर 3026। तो इस तरीके से जो भी आपको मॉडिफाई करना है आप उसके अंदर कर सकते हैं सिंगल, और शॉर्टकट है इसका कंट्रोल के साथ ए प्रेस करें या एक्सेप्ट पे क्लिक करें। आपको कंट्रोल ए और इस पे एक्सेप्ट पे क्लिक करने से सो कुछ मैसेज नहीं आएगा, और एंटर करते हुए करेंगे तो यहाँ पे एक एक्सेप्ट के लिए यस नो का मैसेज आएगा, और उस पर यस कर सकते हैं। ये हो गया सिंगल लेजर में किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, कोई बदलाव करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं। एस्केप की से आप बैक आते हैं, वापिस आ जाते हैं हम लोग गेट ऑफ टेली पे। अब मान लेते हैं कि मैं इसमें जो चेंजेस करना चाहता हूँ एक साथ करना चाहता हूँ, अर्थात मल्टी लेजर चेंजेस या मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे उसी जगह जाना जहां से क्रिएट किया था। तो क्रिएट किया था हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, देन लेजर्स, और लेजर्स में यहाँ पे आप राइट साइड में जाओगे तो मल्टी मास्टर्स, या कंट्रोल सॉरी ऑल्ट के साथ एच प्रेस कर सकते हो। जैसे ऑल्ट एच प्रेस करेंगे या फिर मल्टी मास्टर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर्स। मल्टी क्रिएट में हमने बनाया था, अब हम लोग इसमें बदलाव मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मल्टी अल्टर में जाना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आती है, अब आप इसमें लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में ऐसे चूज करना होगा कि किसको आप बदलाव करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ, या ऑल आइटम्स भी ले सकते हो। ऑल आइटम्स करेंगे यहाँ पे तो आपके सभी लेजर्स इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे नेम ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको अंडर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके सारे ये ग्रुप के नेम आ जाएंगे। अब इसमें जो भी बदलाव करना है वो आप कर सकते हो। जैसे मैं वेजेज है, इस वेजेज में मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना चाहता हूँ, क्लिक किया और IN इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंटर किया और एंटर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे राम पार्टी है, ये मैं चाहता हूँ सेंडरी क्रेडिटर नहीं डेटर है, और जो मोहन है, मोहन पार्टी है ये, इस मोहन पार्टी में हम लोग बदलाव करना चाहते हैं सेंडरी क्रेडिटर्स, एंटर, और कंट्रोल ए के साथ में इसे सेव करें या एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें, या आपके सारे मैसेज एक्सेप्ट हो गए हैं। और पार्टिकुलर एक उसके लिए भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना चाहें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएं, ऑनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसमें जो भी बदलाव करना है वो आप कर सकते हो पार्टिकुलर। जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको मुझे इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है, एंटर किया
और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में ए प्रेस किया या एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया, ये हो गया। आप एंटर करके देख सकते हो, आप दो होंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से हम इस क्लास के अंदर सीख चुके हैं किस तरीके से सिंगल लेजर में मॉडिफाई और चेंजेज कर सकते हैं या मल्टी लेजर में एक साथ मॉडिफाई या चेंजेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया, नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को बार बार देख सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।